तो ये लेक्चर फोटोग्रामेट्री के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले जानते हैं फोटोग्रामेट्री होता क्या है, व्हाट इज़ फोटोग्रामेट्री। सो फोटोग्रामेट्री इज़ अ टेक्निक ऑफ मेजरिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोटोग्राफ। तो सपोज आपके पास एक फोटोग्राफ है, ओके, उसमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आपको उसका साइज पता लगाना है फोटो से ही, ठीक है। तो इसके साइज को पता लगाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फोटोग्रामेट्री, ओके। तो बेसिकली हमें इस टॉपिक में सिर्फ तीन चीज़ें पढ़नी है, ओके। सबसे पहला तो है स्केल, उसके बाद दूसरा है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद तीसरा है नंबर ऑफ फोटोग्राफ। इन तीनों में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ओके, और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। ये फोटोग्रामेट्री गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों टॉपिक पे एक एक काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केल से। सबसे पहला है स्केल, ओके। तो सबसे पहले तो लेट ये वाला लाइन जो है ये ग्राउंड है, ओके, और ये वाला लाइन डेटम है। डेटम बोला जाए तो MSL है ये वाला लाइन, और ये ग्राउंड है, ओके, और इस पॉइंट पे हमारा कैमरा है। हो सकता है कैमरा कोई प्लेन में हो या ड्रोन में हो, तो यहाँ पे बस हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा ये कैमरा है, ओके। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, लाइन है, ओके, और हम लोगों को यहाँ से इसका एक फोटोग्राफ लेना है, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह आएगा फोटो, ओके, और ये सपोज वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो जो फोटो आएगा आपका वो इस लाइन पे आएगा, ओके, वो फोटो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये ओरिजिनल लाइन है, इसका फोटो आपको इस पॉइंट पे दिखेगा, ठीक है, जो कि डिस्टेंस एफ पर है। नाउ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग एच मान लेते हैं, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया h माइनस स्मॉल h। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h माइनस स्मॉल h हो गया। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का क्या हो गया? ये हो गया f, फोकल डिस्टेंस। तो हमें बस ध्यान ये देना है कि ये जो लाइन है इसका फोटो हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है फोकल डिस्टेंस x। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं स्केल पे। ठीक है, स्केल स्केल क्या होता है? स्केल होगा फोटो डिस्टेंस, स्केल ऑफ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कौन से स्केल पे बना हुआ, उसके लिए फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे फोटो डिस्टेंस कौन सा हुआ? फोटो डिस्टेंस ये वाला हुआ, और ग्राउंड डिस्टेंस कौन सा हो गया? तो ग्राउंड डिस्टेंस ये वाला हो गया। बस ये हमें याद रखना है। ओके, और एक स्केल के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है एफ बाय एच माइनस स्मॉल एच। ओके, एफ बाय, ये एफ है, बाय एच माइनस स्मॉल एच, तो ये डिस्टेंस। ठीक है, और इसका प्रूफ आप लोग कोई भी बेसिक बुक्स, बेसिक स्टैंडर्ड बुक से देख सकते हैं, वैसे यहाँ भी देख सकते हैं। ये एफ है, एफ बाय दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस। तो आप लोग करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों ये हुआ। ओके, अभी के लिए फिलहाल याद कर लेते हैं। ये तो बात हुआ जब आपका ये जो ग्राउंड था वो सीधा था, हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे था इस MSL से। ओके, नाउ सपोज ये स्ट्रेट ना होके ये ग्राउंड कुछ इस तरह रहता। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच वन होता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच टू होता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच थ्री होता। तो हर जगह अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है। ओके, तो इस केस में तो हम लोग एच नहीं ले सकते थे, तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे? तो इस केस में हम लोग एफ एच माइनस एच एवरेज ले लेंगे। जब ग्राउंड इक्वल एलिवेशन पे ना हो, अनइक्वल एलिवेशन पे हो, हर पॉइंट पे अलग अलग हो। ओके, तो ये पॉइंट जो है इस फोटोग्राफ का, ये कुछ अलग एलिवेशन पे है। ओके, और ये पॉइंट जो है फोटोग्राफ का वो कुछ अलग एलिवेशन पे है, इसलिए हम लोग दोनों का एवरेज ले लेंगे। उससे हम लोगों को एच एवरेज हो मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज हमें उन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज लेना है। ओके, ये किस केस में हो गया? जब स्ट्रेट हो, जब आपका ग्राउंड बिल्कुल ही हॉरिजेंटल हो। और ये कब लेना है? जब आपका ग्राउंड हॉरिजेंटल ना हो। ओके, तो ये तो था स्केल का बात। तो स्केल के लिए तीन फॉर्मूलाज हो गए। ओके, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है ये, अ वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ
1850 मीटर अबोव MSL, ओके। डिटरमाइन स्केल ऑफ फोटोग्राफ फॉर एन एरिया एट एवरेज एलिवेशन ऑफ 275 मीटर फ्रॉम MSL, ओके। और फोकल लेंथ इज 15 मीटर। तो ये सपोज MSL है और ये ग्राउंड है जो कि स्लोप्ड है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज एलिवेशन लिखा हुआ है और हम लोग इस पॉइंट से फोटो ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का। वो फोटो हमें यहाँ दिखेगा, ओके। तो ये फ्लाइंग हाइट क्या है? अब वो MSL फ्लाइंग हाइट है आपका 1850, और एवरेज हाइट क्या है? एच एवरेज क्योंकि ये स्लोप्ड है इसलिए एच एवरेज लेंगे, तो ये 275 हो गया, 275 मीटर। और आपका ये डिस्टेंस क्या है जो कि है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग स्केल निकाल लेंगे, स्केल होगा एफ बाय एच माई कैपिटल एच माइनस एच एवरेज। तो एफ क्या होगा 0.15 बाय बड़ा एच क्या हो जाएगा, बड़ा एच हो जाएगा ये माइनस एच एवरेज ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/10 और 1/1050, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया और ये स्केल हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अ कैमरा ऑफ फोकल लेंथ दिस, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए, इसे वर्टिकल फोटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ टेरेन इज दिस, एच एवरेज दिया हुआ है 1900 मीटर, और पूछा जा रहा है हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट ताकि स्केल 1/10000 का आ जाए, ठीक है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला पुट होगा, एच एवरेज। तो आपका एस दिया हुआ है 1/10000, एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और कैपिटल एच हमें खोजना है, और एच एवरेज है 1900 मीटर, ओके। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2000 प्लस 1900, तो आंसर क्या आएगा 3900। तो पिछले वाले में स्केल खोजना था, इसमें अब फ्लाइंग हाइट खोजना है, ओके। और फ्लाइंग हाइट हमेशा MSL के लेवल से होता है, ये याद रखना है। फ्लाइंग हाइट H अगर पूछा जाए सिर्फ, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे MSL से कितना ऊपर उड़ रहा है, ओके। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा चुका है अभी तक, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। तो एक वर्टिकल फोटोग्राफ है, उसे 32 मीटर अबोव MSL से लिया जा चुका है, उसका फोकल लेंथ है 120 mm, ठीक है। इट कंटेन टू पॉइंट ए एंड बी करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड पॉइंट ए एंड कैपिटल ए एंड बी, ओके। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल लेंथ ए बी एज वेल एज द एवरेज स्केल अलोंग द लाइन
ए बी, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमें दो चीज़ फाइंड करना है, पहला तो क्या ग्राउंड पे ए बी डिस्टेंस क्या है, और दूसरा एवरेज स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजेंटल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि एक फोटोग्राफ है, ठीक है, उसमें दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, फोटो कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस। ओके, तो ये ए पॉइंट है क्योंकि ये +19 और -14 है, तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, क्योंकि ये प्लस प्लस में है, +26 एंड +10, तो ये बी पॉइंट हो गया। तो अब ये तो फोटो हो गया, ये फोटो लिया गया ग्राउंड से, तो ग्राउंड पे भी ए बी होगा जिसे हम लोग कैपिटल ए और कैपिटल बी बोल रहे हैं। तो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच का, वो हमें खोजना है। तो सबसे पहले ग्राउंड पे जो भी कोऑर्डिनेट हो वो हमें निकालना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल हम लोग बना लेते हैं ग्राउंड के लिए, ठीक है। तो ये तो हुआ, आप लोग ये फिगर समझ गए होंगे करना क्या है। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं ग्राउंड के लिए। तो टेबल में सबसे पहला तो पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्केल का कॉलम, ठीक है, फिर स्केल के बाद कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, जो कि मीटर में होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो कि मीटर में होगा। तो सबसे पहले ए का स्केल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, स्केल होता है एफ बाय कैपिटल एच माइनस एच एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे एच दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ एच एवरेज नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एच लेंगे सिर्फ। अगर लाइन होता है तो हम लोग एच एवरेज लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है। ओके, पॉइंट का स्केल हम लोग लिख रहे हैं। तो एफ, सबसे पहले एफ क्या होगा, 0.12, और कैपिटल एच क्या है, 3200 माइनस स्मॉल एच 640। ओके, तो ये फाइनल आंसर कितना आएगा, आंसर स्केल का आएगा 1/213333। ओके, अब इस उसी तरह इसके लिए जब आप लोग स्केल निकालोगे तो इसका स्केल आएगा 1/20166.66। ओके, इसका भी उसी तरह निकालना है, एफ बाय एच, एच बस डिफरेंट होगा, एच होगा 780। ओके, तो ये तो हो गया स्केल। अब हम लोग एक्स निकालते हैं, ठीक है, तो एक्स क्या होगा, तो जो फोटो में जो भी स्मॉल एक्स है उसमें हम लोग बस स्केल डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद मीटर में कन्वर्ट कर देंगे।
यहाँ पे 19.5 है एक्स कोऑर्डिनेट ए का, तो यहाँ 19.5, ओके, इसको डिवाइड कर देंगे इससे 0.33, ठीक है, इसको स्केल से डिवाइड कर दिया। स्केल से डिवाइड करने के बाद जो भी डाटा आएगा वो एमएम में आएगा, क्योंकि ये एमएम में है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 करना होगा, ठीक है, तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 416 मीटर, ओके। सिमिलरली वाई, वाई क्या है, -14.6। वाई स्केल से आप लोग डिवाइड कर दोगे 21333.33, ठीक है, 10^-3, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा -311.46, ओके। वाई कोऑर्डिनेट ए का क्या आ गया, -311.46। अब बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 26.7, इसको डिवाइड करेंगे इसके स्केल से जो कि है 1/, ठीक है, ये एमएम में आएगा, इसीलिए इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 538.45 मीटर, ओके। अगला वाई कोऑर्डिनेट के लिए 10.8 डिवाइडेड बाय स्केल, -10^-3, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 217.8 मीटर, तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, सिर्फ ए बी डिस्टेंस, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू, सॉरी, XB-XA का होल स्क्वायर प्लस YB-YA का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, XB दिस माइनस दिस, तो 538.45 - 416 का स्क्वायर प्लस 217.8 माइनस ऑफ माइनस माइनस 311.46 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये जब करोगे तो आपका आ जाएगा 543.24 मीटर, तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा आपसे एवरेज स्केल पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसका एवरेज निकाल लें, एवरेज इलिवेशन, ठीक है। तो एच एवरेज क्या हो जाएगा, एच एवरेज हो जाएगा 640+78 बाय, सॉरी, बाय टू, 640+7780 बाय टू, तो ये हो जाएगा इतना मीटर, ठीक है। अब एवरेज स्केल फाइंड करने क्या बोला जा रहा है, एवरेज स्केल, एवरेज स्केल
और स्केल एक ही चीज़ है, एवरेज स्केल का मतलब एच में एच एवरेज यूज करना है। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ 0.12 और कैपिटल एच, सॉरी सेवन वन टेन। इसको जब आप लोग फाइंड करोगे तो आंसर आएगा 1/20750। तो ये सेकेंड वाले का आंसर है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला आंसर है इसे एक और मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं इसके मदद से। ओके, एवरेज स्केल की मदद से। तो वो हम लोग देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फोटो पे जो भी डिस्टेंस है वो निकालना होगा। तो मेथड टू ये है कि ए बी डिस्टेंस जो कि फोटो पर डिस्टेंस है उसका लेंथ क्या है। उसका लेंथ 26.7 माइनस 19.5 का स्क्वायर प्लस 10.8 माइनस ऑफ माइनस 14.6 ठीक है का स्क्वायर। तो जब आप लोग इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे 26.4 मिलेगा। ओके, ए बी इतना mm। ओके, अब कैपिटल ए बी के लिए आप लोग 26.4 को एवरेज स्केल से डिवाइड कर दोगे। तो एवरेज स्केल क्या आया है, एवरेज इसके लिए वाला है तो 20750। अब ये एमएम में आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 547.815। ओके, यहाँ 543 है, यहाँ पे 547 है जो कि लगभग इक्वल है और दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। ओके, बट ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये भी सही है लेकिन ये थोड़ा कम एक्यूरेट है। ओके, तो ये तो था स्केल पे हम लोगों ने इतने सारे प्रॉब्लम्स किए। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सपोज ये आपका ग्राउंड है और इस पे एक वर्टिकल टावर है। ओके, वर्टिकल टावर है और इसका हम लोग एक इमेज ले रहे हैं कुछ। अगर अगर फ्लाई कैमरा यहाँ पे है तो इमेज थोड़ा साइडवे ले रहे हैं, ऊपर से नहीं ले रहे हैं, साइड से थोड़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पे फोटो आएगा। ओके, इस ये पूरा फोटो का है, एफ डिस्टेंस पे फोटो का लाइन है ये। तो जो यहाँ पे जो टावर है वो फोटो में थोड़ा स्लैंटेड दिखेगा, कुछ उसका हॉरिजेंटल हाइट भी आएगा, वो यहाँ से यहाँ तक का रहेगा जो कि ओके यहाँ वर्टिकल है। ओके, लेकिन यहाँ पे हल्का इसका इस पोर्शन, ये पूरा वाला पोर्शन भी दिखेगा यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है
ओके हॉरिजेंटल पोर्शन पे जो एक्चुअल में ये तो टावर, तो अगर यहाँ से हम लोग फोटो लेते तो एक्चुअल में तो हमें एक डॉट दिखता सिर्फ, लेकिन हम लोग साइड से ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमें एक लाइन नज़र आएगा फोटो में छोटा सा। ओके इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रिलीव डिस्प्लेसमेंट। ओके इसी को हम लोगों को निकालना रहता है। और इस पॉइंट को प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं। ओके इस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल पॉइंट हम लोग बोलते हैं। ओके और यहाँ पे टावर कुछ इस तरह दिखेगा, हल्का सा स्लैंटेड दिखेगा ऐसा करके। ओके यहाँ पे कुछ इस तरह का टावर दिखेगा। ओके और इसके टॉप से लेके प्रिंसिपल पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं, और इसके बॉटम से लेके प्रिंसिपल पॉइंट के डिस्टेंस को आर नॉट बोलते हैं। ओके तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका डेरिवेशन, आप लोगों को किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से अगर मन करेगा तो आप लोग वहाँ से देख लेना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। तो ये आर का फॉर्मूला हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर एफ बाय कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो ये आर का हो जाएगा ओके यहाँ से यहाँ तक का। अब आर नॉट का फॉर्मूला होगा आर एफ बाय एच। ये याद रख, एच को याद रखना कि ये टावर का हाइट है ना कि एलिवेशन एमएसएल से। इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट में जो एच था वो हाइट वो एमएसएल था, यहाँ पे जो छोटा वाला एच है वो ये टावर का हाइट है। ओके तो ये छोटा वाला आर जो हुआ आर नॉट, उसका ये हो गया फॉर्मूला, उसमें बस माइनस एच नॉट नहीं लगा, माइनस एच नॉट नहीं लगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, इस कारण से आर नॉट जो कि छोटा है। ओके नाउ वो रिलीव डिस्प्लेसमेंट जैसा कि बताया डिस्टेंस को बोलते हैं, तो रिलीव डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से नोट, डी से नोट, डी डी से डिनोट करेंगे। ओके डी इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट जब आप लोग करोगे तो आप लोग को जो फाइनल टर्म मिलेगा, फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वो होगा स्मॉल एच इंटू स्मॉल आर इंटू एच। यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो ये वाला डिस्टेंस है टावर और कैमरा के बीच हॉरिजेंटल प्लेन पे, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ इस तरह मिलेगा डी डी इज इक्वल टू स्मॉल एच इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल एच। कैपिटल एच पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ओके स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक और एच हो गया ये, तो इससे आप लोगों को ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है तो ये तो हुआ रिलीव डिस्प्लेसमेंट, इसे हम लोग रिलीव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और अभी तक हमने सिर्फ ग्राउंड डिस्टेंस माना था, अब मान लेते हैं ये ग्राउंड एमएसएल से एच एवरेज डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है एच एवरेज डिस्टेंस ऊपर है, तो रिलीव डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा एच इंटू स्मॉल आर इंटू एच माइनस एच एवरेज। तो यहाँ पे एच एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अगर वो जो ग्राउंड है वो एमएसएल से एच एवरेज डिस्टेंस ऊपर रहे, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हुए रिलीव डिस्प्लेसमेंट के, जिसमें कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है, ओके पहले थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं। सेक्शन लाइन ए बी 300 मीटर लॉन्ग ऑन फ्लैट टेरेन मेजर 102.4 mm ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ। ओके, एक लाइन जो ओरिजिनल में 300 मीटर का वो फोटो में 102.4 mm का दिखता है। और रेडियो टावर ऑल्सो अपियर्स ऑन फोटोग्राफ, रेडियो टावर ऑल्सो अपियर्स ऑन। तो सपोज यहाँ पे एक लाइन है वो फोटो में 102.4 mm दिखता है लेकिन एक्चुअल में 300 मीटर का, और एक रेडियो टावर भी है। ओके, तो डिस्टेंस मेजर फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू इमेज ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ रेडियो इज फाउंड टू बी 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो आर नॉट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और R दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और H एवरेज भी दिया हुआ है जो कि है 5.53। डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर। ओके, क्या डिटरमाइन करना है, हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है R माइनस R नॉट। ओके, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है d इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट जो कि है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं तो 0.01 मीटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है h इंटू आर बाय एच माइनस एच एवरेज। ओके, ठीक है, तो ये डी का हो गया जो कि 0.01 है। नाउ पुट करते हैं 0.01 इक्वल टू एच। एच क्या है, हाइट ऑफ टावर जो कि हम लोगों को फाइंड करना है। आर क्या है, आर है ये, ठीक है, आर है 0.08। एच क्या है, फ्लाइंग हाइट। फ्लाइंग हाइट खोजने पे तो मिलता नहीं है तो एच लिख देते हैं, और एच एवरेज, एच एवरेज दिया हुआ है 5.53। तो स्मॉल एच फाइंड करना है और कैपिटल एच दिया नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ से हम लोग कैपिटल एच निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्केल, स्केल क्या होता है, डिस्टेंस इन फोटोग्राफ बाय डिस्टेंस इन एक्चुअल ग्राउंड। तो डिस्टेंस इन फोटोग्राफ क्या है, 102.4 mm, और ग्राउंड पर डिस्टेंस क्या है 300 मीटर मीटर में, तो इसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। स्केल का ये हो गया, और स्केल का फॉर्मूला फिर क्या होता है, स्केल का फॉर्मूला होता है एफ बाय कैपिटल एच माइनस एच एवरेज, ठीक है। तो एफ क्या हो गया, एफ दिया हुआ है
ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज एमएम में चल रहा है, जैसे ये एमएम में चल रहा है, नीचे भी एमएम में, ऊपर भी एमएम में, तो नीचे भी हम लोग हर चीज को एमएम में देना होगा, तो इसलिए एच माइनस एच एवरेज 5530 मीटर्स एमएम में कन्वर्ट कर दिए। इसको जब आप लोग फाइंड करोगे तो एच आएगा 9999.484, तो एच इतना आएगा, इतना मीटर। ये सब एमएम में चल रहा है। ओके, यहाँ पे भी एमएम में आएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया है मीटर में। ठीक है, इसको अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 0.01 इजकल टू एच इंटू 0.08। ओके, तो एच क्या हो गया, एच हो गया 999। यहाँ पे हर चीज़ मीटर में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे मीटर में लिखते हैं। आप लोग जैसे चाहो चला सकते हो, एमएम में या मीटर में, जैसा आप लोग को इजी हो। 553। ओके, तो इसको जब आप लोग करोगे, एच फाइंड करोगे इससे एच, तो आंसर आएगा 55.81। ओके, इतना मीटर। तो हाइट ऑफ तो आपका हाइट ऑफ टावर निकल गया, कितना आया 55.81 मीटर। तो आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार इस प्रॉब्लम को। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो 2017 गेट का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हुआ, दो टावर है। ओके, उसका एरियल फोटोग्राफी किया हुआ है। लेंथ ऑफ इमेज फोटोग्राफ पे टावर ए का जो लेंथ आया है, ये मान लेते हैं फोटोग्राफ है, इस पे लेंथ आया ए का 1.5 सेंटीमीटर, इस पे लेंथ आया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ टावर ए 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आया है वो है 4 सेंटीमीटर, ये प्रिंसिपल पॉइंट हुआ। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आया है 6। ओके, 6 सेंटीमीटर प्रिंसिपल पॉइंट पी। ठीक है, अगर एक्चुअल हाइट ऑफ टावर, ग्राउंड पे जो टावर का हाइट है वो 80 मीटर है, इस बी का टावर का जो हाइट है वो 80 मीटर है। ठीक है, तो टावर ए का हाइट खोजना है हम लोगों को। ओके, तो इतना सारा डाटा दिया हुआ है, फाइनली हम लोगों को क्या फाइंड करना है टावर ए का। तो सबसे पहले रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट उस हाइट को बोलते हैं। ओके, लेंथ ऑफ इमेज ऑफ टावर ए ऑन फोटोग्राफ, इसी को हम लोग रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू आर इन टू एच बाय, ठीक है, अगर एम एस एल ग्राउंड अगर एम एस एल से ऊपर है तो यहाँ माइनस एच एवरेज टर्म ऐड हो जाता है, अगर नहीं है सिर्फ एच ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ एम एस एल वगैरह का बात नहीं किया, इसलिए यही वाला फॉर्मूला हम लोग रखते हैं। ठीक है, आर इन टू स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। तो अब जैसे तो डीए का क्या हो जाएगा, मतलब ए के लिए
रिलीव डिस्प्लेसमेंट डी ए आर आर ए एच एच ए हाइट ऑफ टावर ए बाय एच तो वही रहेगा। ओके नाउ डी बी सिमिलरली डी बी इजिकल टू आर बी इंटू एच बी बाय एच, तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो हो जाएगा डी ए बाय डी बी इज इक्वल टू आर ए इंटू एच ए आर बी इंटू एच बी। डी ए क्या हो गया, डी ए ए के लिए हो गया 1.5 जो कि दिया हुआ है, इसके लिए हो गया 2.0। ओके ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो आपस में कट गया। फिर आर ए और आर बी, आर ए क्या हो गया, प्रिंसिपल पॉइंट से टॉप पॉइंट का डिस्टेंस जो कि है 4 और 6, तो 4 और 6 ठीक है। एच ए क्या है, एच ए हम लोगों को फाइंड करना है। एच बी क्या है, एच बी हमारा 80 दिया हुआ है। ठीक है तो एच ए इज इक्वल टू, एच ए इज इक्वल टू आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये 20, ओके ये 10 हो गया और ये 90 हो गया, तो एच ए आ गया 90 मीटर। तो ये था हाइट ऑफ, ठीक है। इसको आप लोग उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, उसके पहले एच खोजिए, एच निकाल के फिर इसको एच इसमें ऐड कर दिए, उससे बढ़िया होगा कि दोनों को डिवाइड कर दिए और ये आंसर आ जाएगा। ओके तो ये तो था रिलीव डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चंस। ओके तो रिलीव डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखें तो बस ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं कब आर और आर नॉट नहीं दे, तो आर एफ बाय एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और आर एफ बाय कैपिटल एच करना पड़ेगा। ठीक है अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि लास्ट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। नंबर ऑफ फोटोग्राफ, इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें एक ग्राउंड एरिया दिया रहेगा, ठीक है, और आप लोगों को एक स्केल दिया रहेगा, और इसमें पूछा जाएगा कि कितना फोटो लेने पे, और उस फोटो का एरिया भी दिया रहेगा। ठीक है स्केल दिया रहेगा और फोटो का एरिया रहेगा, एक फोटो का एरिया, और आपसे पूछेगा कितना फोटो आप लोगों को चाहिए होगा टोटल इस एरिया को कवर करने के लिए। नंबर ऑफ फोटोग्राफ में यही कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा सा एरिया से छोटा सा एरिया में कन्वर्ट करना है और नंबर ऑफ फोटोग्राफ पता लगाना है। ओके तो ये तो था, इसमें हमें करना क्या है, अब कैसे करना है वो देखते हैं। इसमें दो तरह के केस आते हैं, पहला कि एक रेक्टेंगल या स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है स्क्वायर एरिया, रेक्टेंगल या स्क्वायर एरिया, इसका आप लोगों को नंबर ऑफ फोटोग्राफ पता करना है, एक सिर्फ ओनली एरिया एंड नो शेप, तो दो केसेस बनते हैं। ओके दो केसेस बनते हैं, एक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एरिया और दूसरा ओनली एरिया एंड नो शेप। तो पहला केस हम लोग देखते हैं, पहला केस है
एरिया ए रेक्टेंगुलर एरिया इज रेक्टेंगुलर तो सबसे पहले है नंबर ऑफ फोटोग्राफ इन लेंथ वाइज डायरेक्शन जो कि है एन एल इक्वल टू कैपिटल एल बाय प्लस वन। कैपिटल एल क्या है स्मॉल एल क्या है हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स विथ वाइज एच बी कैपिटल बी बाय स्मॉल बी प्लस वन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फोटो नंबर ऑफ टोटल ये एन है नहीं टोटल फोटोज एम इज इक्वल टू एन ए टू एन बी। ओके अब देख लेते हैं वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरिया जो आप लोगों को बड़ा सा ग्राउंड पे एरिया दिया गया रेक्टेंगुलर का लेंथ एल है बी है विथ ऑफ एरिया विथ है अब स्मॉल एल स्मॉल एल होगा इफेक्टिव लेंथ कवर्ड बाय वन फोटो ऑन ग्राउंड। इफेक्टिव लेंथ कवर्ड बाय वन फोटो ऑन ग्राउंड स्मॉल बी क्या हो गया स्मॉल बी हो गया इफेक्टिव विथ कवर्ड बाय वन फोटो ऑन कंसीडर। हमें बस ध्यान यहाँ पे ये करना है कि इफेक्टिव लेंथ पूछा गया है मतलब एल का मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या हुआ जनरली जो ये एरियल फोटोग्राफी होता है उसमें जो बड़ा वाला एरिया होता है उसका फोटोग्राफ हम लोग लेते हैं बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करता है प्लेन यहाँ से स्टार्ट करता है ठीक है यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर मुड़ के यहाँ से स्टार्ट करता है फिर यहाँ से मुड़ के एक बार में तो ले नहीं सकता पूरा ना इधर से इसलिए ऐसे वो मूव करता है। ओके और ऐसे मूव करके पूरा एरिया कवर करता है प्लेन जिस पे कैमरा लगा रहता है। तो वो जो फोटो लेता है सबसे पहला फोटो सपोज उसने ये लिया फोटो सबसे पहला ठीक है उसका उसके बाद जो दूसरा फोटो लेता है वो ओवरलैप करके लेता है ना कि यहाँ से अगला फोटो ले लेता है। ओके वो फोटो समथिंग ओवरलैप करता है उसके बाद ये लेता है तो ये वाला पोर्शन ओवरलैप्ड पोर्शन ओवरलैपिंग इसलिए क्योंकि बीच में कुछ कोई पोर्शन छूटे नहीं इसलिए 20% ओवरलैप 30% ओवरलैप होता है। फिर ये सेकेंड फोटो हो गया फिर थर्ड फोटो यहाँ से लिया जाता है ऐसा ठीक है
ये थर्ड फोटो हो गया, फिर फोर्थ फोटो, ऐसे करके हम लोग लेते जाते हैं। ऐसे करके वो फ्लाइट फोटो लेते जाता है और लास्ट में एक और फोटो लेता है। लास्ट में एक और फोटो लेता है ताकि सेकेंड लास्ट वाले को ओवरलैप करे, इसलिए हम लोग यहाँ पे +1 लेते हैं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा फोटो लेता है सेकेंड लास्ट वाले को ओवरलैप करने के। फिर वो इधर से इधर मूव करता है, ठीक है, फिर वो इधर से इधर मूव करता है, मूव करते ही फिर वो यहाँ पे फोटो लेता है और एक साइड ओवरलैप लेता है, ठीक है। तो ये हुआ साइड ओवरलैप, फिर यहाँ पे ओवरलैप लिया, फिर यहाँ पे ओवरलैप लिया, तो ये साइड ओवरलैप कुछ कुछ हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे ओवरलैप हुआ, ये साइड ओवरलैप हो रहा है। तो इसी तरह करते करते इस एरिया को लेता है, फिर मुड़ के इस एरिया को लेता है, फिर मुड़ के इधर से एरिया को लेता है। ओके, इस तरह फोटोग्राफी किया जाता है, ठीक है। तो दो तरह के ओवरलैप होते हैं। सबसे पहला तो एंड टू एंड ओवरलैप, दूसरा साइड ओवरलैप, ठीक है। तो ये रेड वाला जो है वो एंड टू एंड ओवरलैप हो रहा है, और ये जो ब्लू वाला हो रहा है यहाँ पे, ये साइड टू साइड ओवरलैप हो रहा है। या दोनों परसेंटेज ओवरलैप रहता है, लाइक 30%, फॉर एग्जाम्पल 30% हो सकता है, ये 40% हो सकता है, या ये 30 होगा तो ये 40, कुछ भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों। ओके, तो ये तो हुआ व्हेन एरिया इज रेक्टेंगुलर, व्हेन एरिया इज रेक्टेंगुलर। नाउ दूसरा पार्ट, व्हेन शेप ऑफ एरिया इज नॉट नोन, व्हेन शेप ऑफ एरिया इज नॉट नोन, तो सिंपली ये सिंपल सा है, इसमें बस करना ही है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू कैपिटल ए बाई स्मॉल ए। ओके, कैपिटल ए होगा टोटल एरिया जो कि ग्राउंड पे है, और ये होगा इफेक्टिव एरिया कवर्ड बाय फोटो ऑन ग्राउंड। इफ कितना इफेक्टिव एरिया कवर करता है फोटो ग्राउंड पे, ओके, तो हो जाएगा स्मॉल है, टोटल एरिया हो जाएगा कैपिटल है, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोगों को मिल जाएगा n। ओके, अब इस पर बेस्ड एक करते हैं, प्रॉब्लम ये रहा, फोटोग्राफ साइज है वो ये है 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर, एंड ओवरलैप है, एंड टू एंड ओवरलैप है 40%, साइड टू साइड ओवरलैप है 30%, स्केल ये दिया हुआ, इसका मतलब हुआ 1/0.42 थाउजेंड टू 100, तो ये 1/4 की बात
40 1/40,000 का स्केल है और नंबर ऑफ फोटोग्राफ पूछ रहा है टू कवर द ग्राउंड एरिया ऑफ 120 किलोमीटर इंटू 80 किलोमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्मॉल एल फाइंड कर लेते हैं। तो स्मॉल एल क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ कवर्ड बाय फोटोग्राफ ऑन ग्राउंड। एल का डेफिनेशन ये होता है, उसके हिसाब से सबसे पहले तो 0.3 ठीक है, तो हम लोग स्केल से डिवाइड करेंगे, तो स्केल हुआ 40,000। स्केल से डिवाइड करने पे हम लोगों को लेंथ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों का एंड टू एंड ओवरलैप भी है जो कि है 40%। तो हम लोग 1-40% कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा मीटर में, तो किलोमीटर में करने के लिए 10^-3 करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 0.3 × 0.6 × 40,000 × 10^-3, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 7.2। इसी तरह जब बी कैलकुलेट करोगे तो बी के लिए क्या होगा, 20 सेंटीमीटर का 0.2 उसको डिवाइड कर देंगे स्केल से, स्केल होगा 1/40,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ओवरलैपिंग जितना है, तो 1-30,000 × 40,000 × 10^-3। तो आप लोग करोगे तो आएगा 5.6 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। तो एल का मतलब ये हुआ कि ये जो फोटोग्राफ है, जो आपको एक फोटो में जितना लेंथ दिख रहा है वो ग्राउंड पे जाके 7.2 किलोमीटर का लेंथ हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ फोटोग्राफ पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू एल बाय स्मॉल एल प्लस वन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वी बाय स्मॉल वी प्लस वन। आंसर क्या होगा, 120 × 7.2 + 1 × 80 × 5.6 प्लस वन। तो यह आपका आ जाएगा 18 × 16। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 288। 288 नंबर ऑफ फोटोग्राफ विल कवर दिस मच ऑफ एरिया हैविंग 40% इन टू एंड ओवरलैप एंड 30% साइड टू साइड ओवरलैप, ओके। तो ये तो था रेक्टेंगुलर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये चीज़ बस नहीं लिखा रहता, इसके जगह समथिंग एरिया रहता, फॉर एग्जांपल इसी के जगह अगर दिया रहता 9600 किलोमीटर स्क्वायर, इसके जगह रेक्टेंगुलर एरिया के जगह बस एरिया दिया रहता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्लस वन नहीं कर रहे होते, उस समय आंसर आता, उस समय आंसर आता 120 / 7.2
ठीक है, इनटू 80 बाय 5.6, तो 180 पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 16.66, मतलब 17। ओके, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 14। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17 × 15 इज इक्वल टू 255 नंबर ऑफ फोटो, जब अगर सिर्फ एरिया दिया हो। ठीक है, ये और ये इक्वल है, बस ये रेक्टेंगुलर दिया हुआ है तो इतना आ रहा है, और रेक्टेंगुलर की जगह बस एरिया दिया रहता तो